ECAT Mathematics F.Sc Part 1 Chapter Number 13 जो कि Inverse Trigonometric Functions का chapter है. इसमें हम जिन दो topics को आज discover करेंगे, उसमें पहला है जी relations between inverse trigonometric functions और फिर addition formulas. तो अब इन topics से related जो MCQ हैं वो हम अब discuss करते हैं जी. अगर हमें एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो रिलेशन है वो ये आंसर दे रहा है कि 4 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कोसाइन इनवर्स ऑफ x जो वैल्यू दे रहा है वो पाई के इक्वल है, देन x क्या हो सकता है. अब यहां पर हम इनवर्स जो है रिवर्स इंजीनियरिंग जो मेथड है हमारा वो हम यहां पर यूज करेंगे, ठीक है जी, और 1 बाय 1 इन वैल्यूज को पुट करके देखेंगे किससे पाई जवाब आता. अगर हम 1 लिखते हैं यहां पे तो हम जानते हैं कि sin की वैल्यू 1 होती है किस एंगल पे, 90 डिग्री पे. तो यहां पर हमारा आंसर 90 डिग्री आएगा यानी पाई बाय 2 जो कि फिर अगर 4 से मल्टीप्लाई हो तो 2 पाई बन जाएगा क्योंकि 2 कैंसिल कर देगा 4 को, तो ये बन जाएगा 2 पाई. और 1 पे cos की वैल्यू 1 किस एंगल पे होती है ये हम जानते हैं कि वो 0 पे होती है, तो ये तो 2 पाई बन रहा है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया. अगर हम सेकंड ऑप्शन देखें 1 by 2, अगर हम यहां 1 by 2 पुट करें तो साइन की वैल्यू 1 by 2 होती 30 डिग्री पे यानी के पाई बाय 6 पे, और जो कॉस की वैल्यू होती है 1 by 2 वो 60 पे होती है यानी पाई बाय 3 पे. अब इन दोनों का सम देखते हैं कि कितना बनता है. देखें 6 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, ठीक है, फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर 6 ही, इसलिए इसका न्यूमरेटर एज इट इज आएगा, जबकि सेकंड टर्म का जो डिनोमिनेटर 3 है वो 6 को डिवाइड करेगा या इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर पे भी डिनोमिनेटर में भी, तो न्यूमरेटर में 2 पाई आ जाएगा क्योंकि ऐड होके 6 पाई बाय 6 बनता है और 6 6 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर पाई आ जाएगा. इसका मतलब कि ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और अगर हम इसके अलावा और कोई ऑप्शन देखते हैं तो वो रॉन्ग हो जाते हैं, इसलिए या आप खुद भी चेक कीजिएगा, आप देखिएगा कि दोनों ऑप्शन से भी आंसर पाई के इक्वल नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा वो बेस्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि कोसाइन इनवर्स ऑफ कोसाइन ऑफ 6 पाई बाय 7 किसके इक्वल होगा. अब यहां पर बेसिकली हम इस बात को समझ रहे हैं कि जो इनवर्स हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, वो जारी बात है कि वो एंगल लेके आएगा रेंज में जिसके जिससे कि वो वैल्यू आई हुई थी, मतलब जैसे हम जानते हैं कि कोसाइन ऑफ 6 पाई बाय 7 जो है, ठीक है, अगर फर्ज करें इसकी कोई एक्स वैल्यू है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे लिए अननोन है, तो फिर कोसाइन इनवर्स ऑफ एक्स जो होगा वो फिर किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल टू आ जाएगा 6 पाई बाय 7 के, यानी कि मैं दोनों तरफ इनवर्स ले लूं. तो यहां से अगर आप x की वैल्यू जो ऊपर मैंने यहां पे दर्ज की हुई है कोसाइन ऑफ 6 पाई बाय 6 पाई बाय 7 यहां पे लिख दे तो इसका आंसर ना देखें हमें पता चल रहा है कि वो कितना 6 पाई बाय 7 यानी ऑप्शन बी जो होगा हमारा यहां पे वो बेस्ट ऑप्शन होगा, कोई और एंगल नहीं आ सकता. यहां इस बात को हम यूं भी समझ सकते हैं कि जिस कॉस की जिस एंगल पे जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू से वापस अगर हम इनवर्स फंक्शन में आएंगे तो वही एंगल आएगा जिससे वो वैल्यू है, इसके अलावा कोई और एंगल नहीं आ सकता. नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि टेंजेंट ऑफ कोसाइन इनवर्स ऑफ एक्स इनमें से किस रिलेशन के बराबर होगा. ठीक है, हम इस बात को यूं अस्यूम कर लेते हैं कि जो कोसाइन इनवर्स ऑफ एक्स है फर्ज कर ले इसकी वैल्यू कोई अल्फा एंगल है, ठीक है, ठीक है. अब जब हम टेंजेंट अल्फा की बात करेंगे, टेंजेंट अल्फा चूंकि यहां पर अल्फा हम लिख देंगे तो वो इक्वल होती है रेशियो साइन अल्फा ओवर कोसाइन अल्फा के, ठीक है. अब साइन अल्फा को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट की फॉर्म में, मतलब अगर 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर अल्फा लिया जाए तो ये साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल आते हैं, और साइन स्क्वायर अल्फा का अंडर रूट ले तो साइन अल्फा आ जाएगा, ठीक है. और कोसाइन अल्फा किसके इक्वल है, अगर हम यहां से इसकी वैल्यू निकाल लें तो हमें पता चल रहा है कि कोसाइन अल्फा जो है वो इक्वल टू एक्स है, तो यहां पे बेसिकली 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ये लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, जबकि डिवाइडेड बाय
कॉस अल्फा है वो एक्स के बराबर है, तो ये देखें फिर इसका मतलब जो रिलेशन बन सकता है वो ऑप्शन ए में अवेलेबल है। और फिर अगर हम इसमें एंगल्स भी पुट करके चेक कर लें, मतलब अगर हम खुद से कोई एक्स की वैल्यू सूम कर लें जिसकी वैल्यू हमें ज़ुबानी याद हो, कॉस के कॉस की वैल्यू जैसे हम कहते हैं जी 60 पे 1/2 आती है, तो अगर हम 1/2 लिखेंगे एक्स की जगह तो यहाँ पे 60 आएगा और 10 की 60 पे वैल्यू थी √3। अब 1/2 अगर हम इसी रिलेशन में लिखें यहाँ पे, तो देखें ये इस तरह से बन जाएगा कि 1 - 1/4 यदि 1/2 का स्क्वायर ओवर 1/2, जो कि डिनोमिनेटर पे रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको न्यूमरेटर में हम सिंपल 2 लिख सकते हैं। अब इस रेडिकल जो सिंबल है इसके अंदर रेडिकेंड है, इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये एलसीएम से 4 - 1 आ जाएगा जो कि 3 के इक्वल है और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और 2 से कैंसिल, तो देखिए तब भी हमें जवाब वेरीफाई भी हो रहा है कि वाकई √3 ही मिलता है। इसका मतलब जो रिलेशन 1 है वो वाकई बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त लिखा हुआ है, इसलिए हम ऑप्शन ए को जो है वो मार्क कर देंगे या सर्कल कर देंगे, यही हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि साइन ऑफ 2 times sine inverse of 0.8, इस पे क्या वैल्यू होगी इन ऑप्शंस में से। देखें हम इस बात को यूं समझ सकते हैं कि अगर फर्ज करें साइन इनवर्स ऑफ 0.8 की वैल्यू हम कहते हैं एक्स के बराबर है, जो कि अभी हमने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट नहीं हुई थी, ठीक है, तो फिर साइन एक्स किसके बराबर हो जाएगा, यानी अगर साइन इनवर्स का रेसिप्रोकल लेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा जो कि इक्वल टू 0.8 आता है। इसका मतलब यहाँ पर हम जो है अगर एक्स लिख देते हैं कि साइन 2x लिखा हो, चूँकि इसको मैं एक्स के बराबर जो है वो लिख रहा हूँ, तो ये हमारे पास डबल एंगल जो फार्मूला है साइन का, उसका फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि 2 times sine of x को साइन ऑफ एक्स। अब देखिए साइन एक्स की वैल्यू हमें पता है वो कितनी है 0.8, तो साइन एक्स की वैल्यू नहीं पता, लेकिन अगर हम इसको यूं लिख लें कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये कॉस एक्स ही लिखा हुआ है, और कॉस स्क्वायर एक्स को अगर हम 1 - sine square x लिख लें, 1 - sine square x, तो हम साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, 2 × 0.8 × 1 - और यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू जो है वो 0.8 है और इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है, और अगर 0.8 का स्क्वायर ले लिया जाए तो 0.64 आ जाएगा, 0.64, ठीक है, 0.64, और 1 में से अगर यदि 1.00 में से 0.64 को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए, यहाँ पर कैरी लेंगे 10 बन जाएगा, नहीं बारो करेंगे तो यहाँ से 10 में से 4 गए 6, यहाँ पर 9 रह गए थे, 9 में से 6 गए 3, और यहाँ से चूंकि बारो किया था 0 रह गया था, तो 0.36 आ रहा है आंसर, ठीक है। इसका मतलब कि अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से और स्क्वायर रूट ऑफ 0.36 जो कि 0.6 का स्क्वायर है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट जब लेंगे 0.36 का तो ये हमारे पास 0.6 आ जाएगा। अब देखें 0.6 0.8 से मल्टीप्लाई 0.48 आता है, उसको मल्टीप्लाई 2 के 0.96, तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा फिर वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा क्योंकि इसी में 0.96 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से इस एमसीक्यू को भी हम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, और अगर फर्ज करें अगर हम डायरेक्ट इसको कहते हैं कि ये 0.96 है, ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ 0.96 इक्वल टू फिर होता 2 times sine inverse of 0.8, यानी फिर हम कैलकुलेटर से भी ये वेरीफाई भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर बहरहाल हमें इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो मिल गया इस कैलकुलेशन के बाद। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जी, जिसकी स्टेटमेंट है कि 2 times tangent inverse of 1/3 + tangent inverse of 1/7 इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ पर चूंकि इनवर्स फंक्शन में जो रेंज आती है वो एंगल आता है, तो वह एंगल जो कि टेंजेंट इनवर्स 1/3 से आएगा उसका अगर डबल किया जाए और फिर वह एंगल जो कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/7 वैल्यू दे रहा है, दोनों एंगल का सम इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, ये बेसिकली यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले
हम एक फार्मूला यूज करेंगे जिसमें के हमने पढ़ा था कि 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए जो है एंगल वो किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2a ओवर 1 माइनस a स्क्वायर के। ठीक है, अब इस फार्मूला को अगर हम यूज करें इस फर्स्ट टर्म के लिए, इस फर्स्ट टर्म के लिए तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं जी टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट, यहां पे मैं कलर्स जो है वो फॉन्ट साइज थोड़ा स्मॉल करता हूं, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2a, a इस केस में 1 ओवर 3 है तो 1 ओवर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ओवर 3 आ जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होते हैं, और 1 माइनस 1 बाय 3 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। अब अगर इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया जाए तो ये हमारे पास क्या जवाब आता है जी, हम लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 बाय 3, ठीक है जी, 2 बाय 3 डिवाइडेड बाय, अब 1 में से 1 बाय 9 गया, LCM ले लें तो ये 9 माइनस 1 ओवर 9 आ जाएगा, ठीक है, जो कि 8 बाय 9 बनता है, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 8 ओवर 9, ठीक है, और अगर 8 ओवर 9 है ये डिवाइड का साइन है, इसको जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 9 ओवर 8 हो जाएगा, ठीक है, इसलिए अब हम यहाँ पर 9 बाय 8 लिख लेंगे, ये क्लियर होगी बात आपको। अब देखिए 3 के टेबल से 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 टाइम 9 होता है, और 2 के टेबल से 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8, तो मेरे पास जवाब आ रहा है टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3 बाय 4, इसका मतलब इस वैल्यू का जो जवाब अभी आया है वो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3 बाय 4, ठीक है जी। अब हम एक और फार्मूला भी यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, ये मैं रेस कर देता हूँ स्क्रीन से, ठीक है, अब वो क्या फार्मूला है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर हमारे पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए हो प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी लिखा हो तो हम इसे लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ ए बी। अब हम इस कैलकुलेशन को कैलकुलेट करेंगे, याद रहे कि ए एंगल 3 बाय 4 है और बी एंगल 1 बाय 7 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए एंगल की वैल्यू जो मैंने अभी बताई कि 3 बाय 4 है, इसमें हम ऐड करेंगे 1 ओवर 7 को, और इसी तरह 1 माइनस 3 बाय 4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर 7 से, और अब हम सिंप्लीफाई करेंगे इस फ्रैक्शन को, ये हमारे पास जवाब क्या आता है, इसको मैं सॉल्व अलग से कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपको बता देता हूँ कि इसका जवाब क्या आता है। देखिए 3 बाय 4 और 1 ओवर 7 का LCM कैसे लेंगे कि 4 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 28 आएगा, अब 4 7 टाइम 28 होता है, इसलिए 3 7 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर 7 4 टाइम 28 होता है, यहाँ पर 1 4 से मल्टीप्लाई होगा, जबकि डिवाइजर में भी 28 ही हमारे पास LCM आएगा, 4 और मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जो 4 और 7 का 28, और यहाँ पर इस 1 का डिवाइजर 1 है, इसलिए यहाँ पर 28 1 से मल्टीप्लाई होगा, और माइनस यहाँ पर चूंकि डिवाइजर ऑलरेडी 28 है इसलिए 3 जो न्यूमरेटर में लिखा वही आएगा। अब आप देखिए ये 3 7 और 21 प्लस 4 25 ओवर 28 ये लिखा हुआ है, ठीक है, और ये डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ये 28 ओवर 28 में से 3 माइनस 25 आ जाएगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सेस हैं और आंसर हमारा 1 आ रहा है, इसका मतलब ये जो सारी वैल्यू है ये इक्वल है टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 के, और टेंजेंट की वैल्यू 1 जो आती है वो किस एंगल पे आती है, वो पाई बाय 4 पे आती है, इसका मतलब जो डी ऑप्शन होगा हमारा इस कैलकुलेशन के बाद हम बता सकते हैं कि वो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ना जीरो जवाब आ रहा है ना पाई बाय 2 और 49 ओवर 29 भी नहीं आ रहा जी। इस एमसीक्यू को हम सॉल्व करते हैं जी, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि डोमेन ऑफ फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ एक्स, यहाँ पे मुझे साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिखना था, इज, अब देखें ये बात हम जानते हैं कि जो अगर प्रिंसिपल साइन फंक्शन की बात की जाए, ठीक है, तो उसकी जो डोमेन होती है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक होती है, ठीक है, इसका मतलब कि हम मिनिमम माइनस पाई बाय 2 पुट कर सकते हैं एंगल साइन फंक्शन के लिए, और मैक्सिमम जो है वो
पाई बाय टू एंगल पुट कर सकते हैं पॉजिटिव, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू इसकी फिर चूँकि साइन 90 जो होता है वो 1 होता है, ठीक है, और नेगेटिव के साइन के साथ है इसके, इसलिए हम इसको नेगेटिव ऑफ साइन पाई बाय टू भी लिख सकते हैं, चूँकि साइन फंक्शन एक ऑड फंक्शन भी है, तो इसकी वैल्यू होगी नेगेटिव 1, जबकि साइन पाई बाय टू की वैल्यू होती है 1, जो कि हमने यूनिट सर्कल से ऑलरेडी समझी हुई है। ये वैल्यूज़ किस तरह आती हैं, हमने एक यूनिट सर्कल लिया था और फिर देखा था कि जब उस सर्कल का पॉइंट y एक्सिस पे आता है, पॉजिटिव y एक्सिस पे या नेगेटिव y एक्सिस पे, तो इसमें x कोऑर्डिनेट 0 होता है और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे -1 और यहाँ पे x 0 और y पॉजिटिव 1। चूँकि y जब हमने इधर एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट की थी तो y जो था वो साइन ऑफ थीटा के इक्वल आ रहा था, इस वजह से हमने कहा था कि साइन 91 और साइन -90 -1 है। तो इसका मतलब जब इन्वर्स फंक्शन की बात करेंगे तो उसमें चूँकि x जो है अब जो इस फंक्शन की रेंज है जो कि -1 से मतलब -1 आ रही है और इसके इस पे 1 आ रही है इस वैल्यू पे, वो इस फंक्शन की डोमेन होगी, तो इंटरवल हमारा फिर -1 से 1 बनेगा। -∞ टू इन्फिनिटी तो बन ही नहीं सकता क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, उससे बड़ी तो हो नहीं सकती, ये तो बहुत बड़ी वैल्यूज़ हैं जो कि इम्पॉसिबल है। इसी तरह किसी जो फंक्शन है उसकी जो रेंज है वो यहाँ पर हमारे पास इस ये 3, ये देखें पाई की वैल्यू भी 3 होती है या 2 पाई की वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग होती है, ये नहीं आ सकती, इसलिए हम तमाम में यही रीज़न कह सकते हैं कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू चूँकि पॉजिटिव 1 होती है, मिनिमम -1 होती है, इस वजह से जो बी ऑप्शन है हमारा वो बिल्कुल एक हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा।